सब्सक्राइब कीजिए हमारे ट्यूटोरियल पॉइंट यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन को प्रेस करके पाइए वेब डेवलपमेंट वेब डिजाइनिंग टेक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हाय गाइस, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम अजय कुमार सुनीजा एंड गाइस वेलकम टू माय चैनल ट्यूटोरियल पॉइंट 2 के 16। सो गाइस कंटिन्यू करते हैं अपने कोडिंग राइटर प्रोजेक्ट के साथ। सो आज हम बात करने वाले हैं बेसिक कंट्रोलर के बारे में। और फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतना अप्रिशिएट किया और आप लोगों के कमेंट्स मैंने पढ़े और आप लोगों को वीडियो सही लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, आप समझ पा रहे हैं कि कोऑर्डिनेटर कैसे काम करता है। सो गाइज बस वीडियो को शेयर करती रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो में सबसे पहले मिल सकें। और किसी भी यूज़र को आप शेयर कर सकते हैं जो आईटी से बिलोंग करता हो, जो सीखना चाहता हो, ताकि और मेरे फ्यूचर प्लान काफ़ी कुछ है आप लोगों के लिए जो मैं फटाफट से आप लोगों को स्टफ़ देता रहूँगा। चाहे अब मेरे जो आने वाली सीरीज जिन पर मैं अभी काम कर रहा हूँ, मोंगो डीबी हो गया, एंगुलर 2 हो गया, नोड जेएस हो गया, शॉकेट आई हो गया, मैं आयोनिक फ्रेमवर्क हो गया, ये सारी चीज़ें मैं आपको डिलीवर करूँगा आने वाले टाइम में। तो अभी तो क्या है कि मैं आपको एक रिस्ट्रिक्ट दूँगी, मतलब अभी इतना मेरे पास टाइम जिस तरीके से मैं टाइम निकाल पाता हूँ आप लोगों के लिए, बट आई प्रोमिस कि आपको जल्दी सब कुछ मिल जाएगा। बहुत कुछ है आपके लिए 2018 में और आई थिंक आपको वीडियोज़ अभी अच्छे लग रहे होंगे और ऐसे ही इसी एनर्जी के साथ मैं आपको देता रहूँगा। सो आज हम बात करने वाले हैं बेसिक कंट्रोलर के बारे में। सो ऑलरेडी अगर आपको याद होगा तो मैंने अपने एक वीडियो दिया था आपको कोर क्लासेस का, बेसिक जब हम बेसिक पढ़ रहे थे तो उसी से ही कुछ लिंक्ड है, इसलिए मैंने कुछ पहले बेसिक आप लोगों को पहले डिलीवर कर दिया। और उसमें मैंने बताया था आपको गाइस कोर क्लासेस में, आपको देखिए मैं बता देता हूँ, बेसिक के अंदर जाएंगे तो वीडियो 18 है कोर क्लासेस। तो कोर क्लासेस में बताया था कि अब होता क्या है, मटीरियल मीनिंग ऑफ कोर क्लासेस, रिवाइज भी कर लेते हैं इस बहाने। देखिए अभी क्या है कि मैं एक कंट्रोलर बनाऊँगा या बाय डिफ़ॉल्ट हमें एक कंट्रोलर मिलता है, मतलब कोऑर्डिनेटर के स्ट्रक्चर में वेलकम कंट्रोलर। तो ठीक है, आपको मैंने बताया था कि आप कुछ भी, मतलब फॉर एग्जांपल कुछ भी इनहेरिट करते हैं कोऑर्डिनेटर के अंदर, आपने कुछ एक अपना कंट्रोलर बनाया तो उसमें ऑलरेडी एक्सटेंड होता है CI_controller, उसमें बहुत सारी फंक्शनैलिटी है और उसको आप फिर यूज़ करते हैं। जैसे लोड फंक्शन हो गया, $_load लिखते हो आप, किसी मॉडल लोड करवाना है या लाइब्रेरी लोड करवानी है, हेल्पर लोड करवाना है, तो एक CI प्रीफिक्स है, ऐसे ही मॉडल के लिए CI_model है, तो ठीक है आप वो यूज़ कर पा रहे हो। बट मेरा यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि आप खुद सोचो, अभी तो चलो हमने सीखा ही क्या है, बहुत एक दो कंट्रोलर बनाए और उस पर काम किया। अगर आप किसी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो और उसमें बहुत सारे कंट्रोलर हैं, 100 या 150 कंट्रोलर हैं, 150 कंट्रोलर्स हैं, तो उस केस में आपने हर कंट्रोलर में क्या इनहेरिट किया, CI_controller। मैं ये नहीं कहता कि ये बैड प्रैक्टिस है, बट आप थोड़ा सोचिए, एक अब आपके पास एक ऐसी फंक्शनैलिटी है जो हर कंट्रोलर में यूज़ होनी चाहिए। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपने फेसबुक खोला है, मैं फेसबुक का एग्जांपल इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि एक पॉपुलर वेबसाइट है। फेसबुक में आप लॉगिन करते हैं और फिर आप, मतलब लॉगिन करते टाइम ऑथेंटिकेट तो होता ही होगा पीछे बैकग्राउंड में कि यूज़र अगर ये है तो लॉगिन होगा, तो फिर आप होम पेज पर जाते हैं। क्या मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आप बिना लॉगिन करे होम पेज पर जा सकते हैं? नहीं जा सकते ना, आप लॉगिन तो आपको करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे इसलिए एग्जांपल ये ले रहा हूँ कि ऑथेंटिकेशन के लिए, एक ऑथेंटिकेशन एक ऐसी चीज़ है कि अब वो हर कंट्रोलर पे चाहिए, तो क्यों ना उसके लिए एक फंक्शन, एक कंट्रोलर में हम फंक्शन बना दें और फिर वही फंक्शन हम हर कंट्रोलर में यूज़ कर लें। तो इसलिए मैंने आपको कोर क्लासेस का कॉन्सेप्ट बताया था गाइस। अब मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ छोटे से प्रोजेक्ट में, मिनी प्रोजेक्ट में। सो प्रीवियस वीडियो में आपको याद होगा गाइस, हमने डेटाबेस कनेक्ट किया था, मैं इसे यहाँ से बंद कर देता हूँ। तो कन्फिग हम बंद करते हैं यहाँ पे और यहाँ पे कोर पे जाते हैं। बट कोर पे जाने से पहले आपको लेके चलता हूँ कंट्रोलर में। यहाँ पे कंट्रोलर welcome.php, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, CI_controller यहाँ पे इनहेरिट कर रहे हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हम, मैं यहाँ पे कोर में जाऊँ, राइट क्लिक करूँ, एक नई फाइल बनाऊँ, उसको सेव कर लूँ, my_capital_controller, अब देखिए मैंने फाइल बनाई यहाँ पे, सिंपल एक क्लास बना लेते हैं, my_, इसलिए मैंने आपको सिखाया था उस टाइम पे, आई थिंक आप ज़्यादा समझ पाएंगे अच्छे से जब हम प्रोजेक्ट में यूज़ करेंगे तो। और यहाँ पे मैं एक्सटेंड करने वाला हूँ, यू नो व्हाट, CI_controller। अब यहाँ मैं जो मैंने आपको उस टाइम एग्जांपल दिया था, आई थिंक अगर आपने मुझे प्रॉपर फॉलो किया होगा तो आप ये चीज़ समझ गए होंगे अब तक। तो अब मैं यहाँ जो फंक्शन बनाऊँगा
वो तो मैं यूज कर पाऊंगा वेलकम के अंदर, वेलकम कंट्रोलर के अंदर, और जो सीआई कंट्रोलर है मैं वो भी यूज कर पाऊंगा। कैसे? मैं इसे यहाँ से कॉपी करता हूँ और वेलकम वाले कंट्रोलर में जाके यहाँ से इसे पेस्ट करता हूँ। अब यहाँ वो क्या रहा है देखिए, समझते हैं, बेसिक इनहेरिटेंस है। वेलकम कंट्रोलर है, एक्सटेंड क्या कर रहा है, माई अंडरस्कोर कंट्रोलर को। ये माई अंडरस्कोर कंट्रोलर में जाएगा, वो किसे एक्सटेंड कर रहा है, सी आई अंडरस्कोर कंट्रोलर को। मतलब हम इनडायरेक्टली सी आई अंडरस्कोर कंट्रोलर यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने एक फंक्शन लिखा है यहाँ पे, पब्लिक फंक्शन, या सिंपल एक काम करते हैं, फंक्शन एक कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं, ठीक है, पब्लिक कर लेते हैं इसको, ठीक है। अब यहाँ पे ये चीज़ है, देखो आप कंस्ट्रक्टर बना लिया है आपने, यहाँ पे फंक्शन बना लेते हैं सिंपल, इफ इफ कंडीशन लगा लेते हैं, और मैं एक डमी एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, ये ऑथेंटिकेशन वाला ही, इज ऑथराइज, ठीक है। ये फंक्शन कॉल होगा, अगर ऑथराइज है, अगर ऑथराइज नहीं है तो यहाँ पे पीएचपी में आपको नहीं पता होगा शायद, रिटर्न यहाँ पे हम करवा देते हैं होम रीडायरेक्ट, होम पे रीडायरेक्ट कर देगा, दैट्स इट। देखिए बस एक समझाने के लिए ये, तो यहाँ हो क्या रहा है देखिए, सबसे पहले इसे मैं यहाँ से हटा देता हूँ। देखिए तो मैंने आप एक कंस्ट्रक्टर, जैसे अब ये माई कंट्रोलर है, ठीक है, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बना रखा है, और वेलकम में जाऊँगा मैं यहाँ पे, तो वेलकम कंट्रोलर में मुझे इसका एग्जिस्टेंस चाहिए। तो अब देखिए यहाँ पे अपने माई कंट्रोलर को ऑलरेडी यहाँ पे इनहेरिट कर रखा है, वेलकम चलेगा तो ऑलरेडी इसका कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, ठीक है। हमने लिखा है कि अगर ये ऑथराइज नहीं है तो कहाँ रीडायरेक्ट कहाँ कर देगा, होम पेज पर कर देगा। तो वही एग्जाम्पल मैं फेसबुक का एग्जाम्पल आपको दे रहा था, ऐसे ही हम कुछ अभी लॉजिक बनाएंगे अपने जब अपना कोड लिखेंगे, बस आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ मैं ये कि हम कर क्या रहे हैं एक्चुअली, कोर क्लास क्लासेज का कॉन्सेप्ट क्या था। तो अगर ऑथराइज नहीं है तो रीडायरेक्ट कर देगा, कि देखिए कितना ईजी हो गया। तो ये चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था उस टाइम पे, आई थिंक उस टाइम खाली बेसिक समझा होगा, आई थिंक आप समझ रहे होंगे मैं किस लेवल पे आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, आप खुद का कंट्रोलर बनाइए, उसमें फंक्शनैलिटी लिखिए। ऐसा नहीं है कि आप इसमें मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते सीआई कंट्रोलर के अंदर, बट आप एक बात देखिए भी, अभी तो आप चलो ठीक है, अभी हम कोऑर्डिनेटर टू के बेसिक समझ रहे हैं सारे, कल को अगर आपको वर्जन शिफ्ट करना पड़ गया तो आपका पूरा प्रोजेक्ट हिल जाएगा। इसलिए जो आपकी एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी है उसके लिए अलग फाइल बनाइए, ठीक है। अब अच्छा खासा आपको कॉन्सेप्ट मिला हुआ इनहेरिटेंस का, वो यूज़ कीजिए। अगर आपको बेसिक नहीं आइडिया है उप्स कॉन्सेप्ट का, तो आप मेरी उप्स की सीरीज़ देख सकते हैं मेरे चैनल पे, प्ले लिस्ट में जाके आपको कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे वो, और मैंने बहुत आसानी से बताने की कोशिश की है उप्स कॉन्सेप्ट क्या होते हैं। तो आइए गाइस चलते हैं प्रोजेक्ट में, वापस चलते हैं अब। तो यहाँ पे अभी क्या है कि हमारे पास एक यूज़र इंटरफेस होगा, एक एडमिन होगा, तो देखा जाए तो वहाँ पर दो ही कंट्रोलर होंगे, हमारे पास कोई 150 या 100 कंट्रोलर नहीं होंगे। तो दो कंट्रोलर के लिए क्या है, यूज़र कंट्रोलर होगा, एक एडमिन कंट्रोलर होगा, ठीक है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ प्रोजेक्ट के हिसाब से। तो यहाँ पे मैं चलता हूँ कंट्रोलर के अंदर, और यहाँ पे मैं क्रिएट करता हूँ एक नई फाइल, जो कि अब हम प्रोजेक्ट के हिसाब से चल रहे हैं, और सेव कर लेते हैं उस फाइल को यूज़र। सो यहाँ पे फाइल तो क्रिएट कर ली, मैं डिलीट करता हूँ वापस फाइल को, क्योंकि मैंने एक्सटेंशन नहीं लगाई। तो ये हो गई यूज़र्स डॉट पी एच पी, सिंपल यहाँ पे पी एच पी और क्लास यूजर्स एक्सटेंड। अब क्या एक्सटेंड करना चाहिए आप थोड़ा कुछ सोचिए, हम करेंगे माई कंट्रोलर, ताकि वो माई कंट्रोलर जो भी एक्स्ट्रा फंक्शन हो वो सारे यूज़ हो जाएं, और सी आई कंट्रोलर की फंक्शनलिटी तो यूज़ हो ही जाए, बस दैट्स इट, सिंपल। ऐसे ही मैं एक बना रहा हूँ किसके लिए, इस एडमिन इंटरफेस के लिए, एक और बना लेते हैं यहाँ पे, सेव कर लेंगे उसको एडमिन। और एक्सटेंशन में बार भूल रूम लगाना, तो यहाँ पे हम एक और फाइल से एडमिन डॉट पी एच पी। तो सिंपल गाइज यहाँ पे हम चलेंगे, इसको बंद कर देंगे, और क्लास एडमिन एक्सटेंड, दैट्स इट। आई थिंक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग आपको हो रही होगी। तो यहाँ पे हमने बना दिया ये, और चलाते हैं यहाँ पे सिंपल, कोई अभी कुछ दिखेगा नहीं आपको, सब कुछ जैसा है वैसा ही है। तो दैट्स इट, अब यहाँ पे हम जो भी फंक्शनैलिटी भी दिखाऊंगा आपको अभी नेक्स्ट वीडियोस में, हम कैसे काम करने वाले हैं इसमें, तो सिंपल। तो एक चीज़ आपको दिखाता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे,
जैसे कि अभी क्या है कि वेलकम है, ठीक है, माई कंट्रोलर की फंक्शनैलिटी यहाँ एक्सेस हो रही है। मैं यहाँ पे जाता हूँ और इसे यहाँ से हटा देते हैं, इको करवा लेता हूँ यहाँ पे टेस्टिंग, ठीक है। सो गाइस, जैसा आप देख रहे हो यहाँ पे, मैं माई कंट्रोलर में हूँ अभी। मैंने यहाँ पे दो कंट्रोलर क्रिएट किए, यूज़र कंट्रोलर और मेरा एडमिन कंट्रोलर। अब मैं यहाँ पे एक सिंपल फंक्शन बनाता हूँ, पब्लिक और फंक्शन इंडेक्स, और यहाँ पे इको करवा लेते हैं टेस्टिंग। एक्चुअली मुझे यहाँ देना था, मैंने वहाँ दे दिया, कोई बात नहीं। तो यहाँ से इसे हटा देते हैं, ठीक है। सॉरी, यहाँ तो लगा रहेगा, ये वहाँ से हटा देते हैं। ठीक है गाइस, तो ये हमारा हो गया एडमिन। और ये अब मैं आपको बताऊँ, वेलकम कंट्रोलर की अभी जरूरत नहीं है, मैं वेलकम डिलीट कर रहा हूँ क्योंकि हम अपने प्रोजेक्ट से चल रहे हैं, तो इसे डिलीट कर देते हैं, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कॉल करके, अब ये आएगा नहीं यहाँ पे, ये है नहीं वेलकम कंट्रोलर। अब देखिए, मैं जाता हूँ यूआरएल में, यहाँ लिखता हूँ इंडेक्स डॉट पी एच पी, क्योंकि जो भी चीज़ जाती है इंडायरेक्टली इंडेक्स डॉट पी एच पी से पास होकर जाती है। हमारे कंट्रोलर का नाम क्या है, यूज़र स्लैश इंडेक्स। यहाँ कुछ सिंटेक्स एरर है वो हम देख लेते हैं, बाकी हम जा बिल्कुल ठीक रहे हैं। इंडेक्स हो गया पब्लिक फंक्शन और यूजर्स टेस्टिंग, सेमी कोलन लगा देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे आ गया टेस्टिंग। देखिए क्या हुआ, ये यूआरएल देखिए, मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ इसको और समझने की कोशिश करते हैं इसको अच्छे से। देखिए क्या यूआरएल है, टी पी इंडेक्स डॉट पी एच पी यूजर्स। कितना अच्छा होगा अगर ये इंडेक्स डॉट पी एच पी हट जाए यहाँ से, सिंपल समझ आ रहा है, ये कंट्रोलर का नाम है और ये फंक्शन का नाम है। तो गाइज, नेक्स्ट वीडियो होगा कि इंडेक्स डॉट पी एच पी कैसे हटाएं अपने यूआरएल से। आई होप गाइज आपको ये अच्छे से क्लियर होगा कॉन्सेप्ट, और कोर क्लासेस मैंने बहुत अच्छे से बताया था उस टाइम पे, बट फिर भी मैंने अच्छे से बताने की कोशिश की आपको। कोई डाउट हो तो प्लीज़ अपना कमेंट जरूर लीव कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इंडेक्स डॉट पी एच पी को हटाएंगे, और लेट्स सी। बस चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, वीडियो कर दीजिए शेयर, लाइक करना बिल्कुल भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय एंड गुड नाइट।